तहसील दिवस समारोह में मंडलायुक्त ने दुद्धी में सुनी फरियादियों की फरियाद। कुल 105 मामले आए, जिसमें दो मौके पर 5 मामलों का निस्तारण टीम भेजकर समाधान करवाया गया। थाना तहसील के 10 व जिले स्तर के 15 बड़े मामले 15-1 माह में निपटारा कर रिपोर्ट करे अधिकारी मंडलायुक्त। प्रकरणों में थानाध्यक्षों की 151 व 107/16 की कार्रवाई समस्या का समाधान नहीं। अधीनस्थों के निस्तारण के बाद फरियादियों से शिकायतों के निपटारे के बावत सेलफोन से रैंडम आउटपुट ले स्थानीय तहसील सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान कई प्रकार के जनशिकायती पत्र आए। स्टाम्प वेंडरों के प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त को अवगत कराया कि उन्हें 10 रुपये का स्टाम्प एक बार में उन्हें 20 नग ही मिलता है, इसकी संख्या बढ़ाकर 100 नग किया जाए। वहीं अवगत कराया कि स्टाम्प कोषागार सोनभद्र में 10 व 25 हजार के करोड़ों रुपए का स्टाम्प पड़ा है, जिसे हम वेंडरों के माध्यम से बेचवाया जाए तो सरकार को राजस्व प्राप्ति के साथ हम वेंडरों का भी जीविका चलता। इसके साथ ही ऑनलाइन स्टाम्प निकालने के लिए हम सभी स्टाम्प वेंडरों को आईडी पासवर्ड दिया जाए। कमिश्नर ने 100 स्टाम्प दिए जाने की मांग पर एक बार में 50 स्टाम्प दिए जाने के लिए डीएम को निर्देश दिए। इस दौरान कुल 105 मामले आए, जिसमें दो मौके पर 5 मामलों का निस्तारण टीम भेजकर करवाया गया। अंत में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को दायित्व बोध कराते हुए कहा कि समाधान दिवस इसलिए होता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। 90% विभाग की कोई समस्याएं नहीं आई, ज्यादातर रेवेन्यू, दूसरे नंबर पर पुलिस, फिर बिजली की समस्या आई। राजस्व पुलिस विभाग के मामलों में मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता और फरियादी 8 से 10 चक्कर समाधान दिवस का लगाता रहता है। अगला थाना दिवस होगा, जिसमें ज्यादातर 151 व 107/16 की कार्रवाई दिखेगी, वो समस्याओं का समाधान नहीं है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक थानावार 10 बड़े प्रकरण चिन्हित कर उसे थानेदार व संबंधित मिलकर निपटाए। ठीक इसी प्रकार तहसील स्तर के 10 बड़े प्रकरण सीओ व एसडीएम मिलकर निपटाए। जिले स्तर पर 15 बड़े प्रकरण को चयनित कर डीएम व एसपी मिलकर निपटाए और यह निपटारा 15 अक्टूबर तक करके इसकी रिपोर्ट की जाए। उन्होंने कहा कि कई राजस्व के मामले में खतौनी कुछ होती है और आ मौके पर जब जमीन कम होती है, ऐसे मामले का निपटारा दावेदारों की भूमि प्रतिशत के उसी अनुपात में भूमि को कम कर भूमि विवाद निपटाया जाए। कुछ समय उपरांत संबंधित अधिकारी डिस्पोजल को लेकर 10-15 शिकायतों को लेकर शिकायतकर्ताओं से रैंडम आउटपुट ले कि उनका समस्या का निदान हुआ कि नहीं। मेरा अनुरोध है कि सभी अधिकारी इसका अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग तो सिर्फ अपने विभाग की समस्या देखते हैं, लेकिन डीएम का अधिकार एक छाता के तरह जो सभी मामलों को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि अगले शनिवार को पुनः मैं सोनभद्र आऊंगा, अगला कार्यक्रम घोरावल में होगा।